एक बार फिर कहूंगा मलाली, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सजा पूरी करने के बाद तुम मुझे बतौर शौहर कबूल करती हो या खुला के लिए अदालत से रुजू करती हो, यह अब तुम पर मुनस्सर है। किसी के भी हाथ पैगाम भिजवा देना, कागज पर 3 हरूफ लिखकर अपने और तुम्हारे ताल्लुक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, जैसे हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं। पिस्टल नीचे रखो, नीचे रखो। अटकड़ी लगाओ। जो शख्स जिंदगी के हर पल में सांस बनकर साथ रहे, उसको यूं अलग नहीं किया जा सकता। जब दिल ही ना जुड़े तो तस्वीरें जोड़ने से क्या फायदा? क्या मतलब, तुम ये तस्वीर क्यों पाड़ना चाहती है? अपने जाती एहसासात किसी मेहमान के सामने बयान करना मेरी आदत नहीं है। फरिश्ता, ये तुमको क्या हो गया? हम यहाँ पे तुम्हारे कमरे पे या तुम्हारी हवेली पर कब्जा करने नहीं आया। बस आखिरी बार तुमसे रुख्सत लेने आए। ये तुम नहीं है फरिश्ता, ये तुम नहीं है। तुम्हारे मोहब्बत का जुनून है अपने अदागुल के लिए। हम तुमसे आज आखिरी बार मिलने आया और तुमको ये बताने आया है कि अदागुल के जात पर, उसके वजूद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जिस दिन हमको पता चला कि अदागुल हमारा जिन, हमारा जान, फरिश्ता का शौहर है, बाखुदा उस दिन उसको अपने दिल से बहुत दूर कर दिया हमने। अगर अगर हम
तुम्हारी शादी में आ जाता तो ये सारा गलत फहमी ही ना होता। अब हमको इजाजत दे दो, हमारा सुबह खान लाला हमारा इंतजार कर रहा है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अपना मुल्क अफगानिस्तान। और कहाँ? पर ईमान से हमको ये बातें, ये यादें, ये दोस्ती और तुम सब बहुत याद आएगा। मुझे माफ कर दो नखवा, मैंने तुम्हारे बारे में एक दोस्त की हैसियत से कम और रिवायती बीवी बनकर ज्यादा सोचा। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो भी ऐसे ही करता। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। काश मैं खुद को तुम्हारे मयार पर ला सकती नगमा, मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर देना। तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा मत बोलो। अपना ख्याल रखना, मैं तुमको इजाजत दो। यह अदालत मुलजिम अजीम खान को करप्शन, अकरबा परवरी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुर्म में 10 साल कैद बामुशक्कत और 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म देती है। मुलजिम आजर खान को खुशकियार के कत्ल के जुर्म में और मुजरिम सौरभ खान को अपने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, करप्शन, धोखादही और फॉरेस्ट ऑफिसर शावेज खान के कत्ल के जुर्म में दोनों मुजरिमान को सजाए मौत का हुक्म देती है। मलिक साहब, सरदार साहब, आप लोग हमको छोड़ने यहाँ तक आया? हाँ बेटा, हम तुम्हें रुख्सत करने आए। अब नगमा इतना मोतबर भी नहीं कि आप हमारे मोहब्बत की खातिर, हमारे प्यार की खातिर इतना दूर चल के आया। बेटी, मोहब्बतों का उम्र भेद जब अपनाइयत की दीवार पर मुतवाजी होकर चढ़ती है तो वो फासलों का सफर भूल जाती है। हम अपनी सारी तकलीफें, सारी थकन भूल कर तुम्हें खुदा हाफिज करने आए। सरदार काका, आप लोगों का यहाँ आने के लिए डेरा डेरा मनाना, बस हमारे जाने के बाद इन जंगलों का, बागों का नगमा समझकर ख्याल रखना, इनसे मोहब्बत करना, चाहत करना और फिर किसी सौराब को इनका अफसर मत बनने देना। नहीं बनने देंगे बेटा, कभी नहीं बनने। बाबा, तुम रो रहे? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वक्त इतना जल्दी गुजर जाएगा और ऐसे ही एक दिन अचानक उड़ती चिड़िया की तरह फुर से उड़ जाऊंगी अपने बाबा को अकेला छोड़कर। नगमा, मैं तुम्हें
बहुत डांटा करता था ना, अब मैं किसे डांटूंगा बेटी? बाबा, तुम्हारा डांट में ही प्यार था। तुमने सारा जिंदगी कड़ी धूप में एक साहिबान की तरह हम पर अपनी शफकत का साया फैलाए रखा, खुद हर तरह की तकलीफ उठाया, मगर हमको आराम और आसाइश मुहैया किया, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। पापा, अपना ख्याल रखना, हमको तुम्हारा शफकत याद आएगा और तुम्हारा डांट भी याद आएगा। सुबह मेरी बेटी नगमा का बहुत ख्याल रखना, इसकी अच्छी जगह शादी करो ना। हाँ हाँ बाबा, हमको मालूम है कि ये बड़ा नाज नाम में फला है, हम इसका शादी ऐसे जगह कराएगा कि शोहर इसको कभी नहीं डांटेगा, बल्कि ये शोहर को डांटा करेगा। अच्छा बाबा, हमें इजाजत दो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।